अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फारूक है और आप देख रहे हैं चैनल पाकिस्तानी 360। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जो कि अपनी प्राइस रेंज के अंदर इन्फिनिक्स, टेक्नो और रेडमी जैसे तमाम मोबाइल्स को कम्पीट करता है। पेश खिदमत है वीवो डेल्टा नोट 24, जो कि 32,500 की रिटेल प्राइस में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, जो कि आपको इस प्राइस रेंज के अंदर 8 GB की रैम और 256 GB की स्टोरेज प्रोवाइड करता है। यह फोन आता है मीडियाटेक के हीलियो G99 प्रोसेसर के साथ, जो कि 4,022 बेंचमार्क्स को रन करता है। यह फोन आपको 6.78 इंचेस की डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, जो कि IPS डिस्प्ले है, और इसी के साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। तो अब मैं आपको ज्यादा गौर नहीं करता, चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। चाकू हमारे पास है और अब हम करने जा रहे हैं इसकी कुर्बानी। जी, तो डिवाइस को कर लेते हैं हम अनरैप। सबसे पहले इसमें से हमें देखने को मिलेगा वारंटी कार्ड, जिसे हम साइड पर रख लेते हैं। जी, तो डिवाइस के ऊपर मेंशन है 30W की फास्ट चार्जिंग, 64MP का कैमरा, 5000mAh की बैटरी, 120Hz का डिस्प्ले और 6GB रैम, 256GB स्टोरेज और साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट। जी, तो डब्बे को करते हैं अलहदा और इसमें से हमें देखने को मिलता है सबसे पहले डिवाइस। डिवाइस को पकड़ के हम रख लेते हैं साइड पे। पैकेजिंग में तो काफ़ी प्रीमियम वाली फील दी गई है। इसमें से एक और बॉक्स निकलता है, जिसमें से हमें देखने को मिलता है सबसे पहले एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, और देखते हैं क्या दिया गया इसके साथ। नीचे है मोबाइल का मेरा ख्याल केस है। जी, तो इसमें है मोबाइल का एक सिलिकॉन केस और साथ में कुछ कागजात मिल जाते हैं हमें। और अच्छी बात यह है कि इसमें हैंड फ्री भी प्रोवाइड की गई है, जो कि अच्छी क्वालिटी की लग रही है। और साथ में एक डाटा केबल है, जो कि है C2C टाइप, जो कि एक अच्छी बात है। जी, तो आराम से निकालते हैं अपनी डिवाइस को रैपर में से। देखने में तो लग नहीं रहा कि पाकिस्तानी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक है इस फ़ोन की। हमारे पास है इसका ग्लोरी गोल्ड कलर। वेट है इसका आलमोस्ट 197 ग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है। आप सोच रहे होंगे कि चार्जर किधर गया, लेकिन चार्जर अलहदा से बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर हमें 30W का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट है। तो डिवाइस को करनी है अब हमने अनबॉक्स। दिखने में तो काफ़ी कूल लग रहा है, चलिए मैं आपसे मिलता हूँ इसको स्टार्ट करने के बाद। जी, तो फोन को करनी है अब हमने अनबॉक्स। IPS पैनल के साथ ये फ़ोन आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। सेटिंग में हम आपको इसका ऑप्शन दिखा देते हैं। इसमें आप अडॉप्टिव रिफ्रेश रेट रख सकते हैं, यानी कि ये ऑटो पे रहेगा तो बैटरी कम कंज्यूम करेगा। 60 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज पे ये खुद ब खुद सेट होता रहेगा। स्क्रॉलिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, मुझे अभी तक इसमें कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। इसके डिस्प्ले में आपको कलर्स बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और सैचुरेटेड मिलते हैं, जिससे आपको मीडिया कंजप्शन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा येलो टिंट आपको देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है। इसकी आप फोन साउंड क्वालिटी चेक करवा देते हैं। तो साउंड क्वालिटी इसकी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ डिसेंट आप इसे कह सकते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो रेयर साइड पे हमें 64+2.2 MP का कैमरा देखने को मिलता है, और फ्रंट कैमरा 13 MP का है। ये कुछ हमने बैक कैमरा से सिंपल और पोर्ट्रेट्स शॉट्स लिए हैं, जिन्हें आप मुलायजा फरमा सकते हैं। तो ये क्लिप रिकॉर्डर है वीगो टेल के रेयर कैमरा से, जो कि 64 MP का है। तो इससे आप डायनमिक रेंज का बेहतर तरीके से अंदाज़ा ले सकते हैं। कैमरा मैन को मैं कहूँगा कि इधर घूम जाए, सूरज की तरफ आ जाए, ताकि पता चल जाए कि एक्सपोजर को किस तरह से मेनटेन करता है। रेयर कैमरा में 2x का डिजिटल जूम प्रोवाइड किया गया है। जी, मॉडल हमारा शर्मा रहा है। इससे आप ऑडियो क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। इस वक्त ऑडियो प्ले हो रही है, इसी मोबाइल की रिकॉर्डिंग से प्ले हो रही है, आप इससे बेहतर अंदाज़ा ले सकते हैं। तो इसके बैक कैमरा में इमेज स्टेबलाइजेशन का एक मोड मिलता है, जो कि 1080p पर वीडियो रिकॉर्ड करता है। इससे आप स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा ले सकते हैं। ये कुछ कैमरा सैंपल 64 MP के मोड से लिए गए हैं। डिटेल वगैरह तो काफ़ी अच्छे तरीके से मेनटेन करता है। इसी के साथ साथ कुछ मैक्रो शॉट्स पर भी नज़र मार ली जाए। तो अभी आप जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं, वीगो टेल के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, जिसकी मैक्सिमम रेजोल्यूशन 1080p 30 FPS है। इससे आप डायनेमिक रेंज का बेहतर तरीके से अंदाज़ा ले सकते हैं। ये सूरज के ऑपोजिट साइड पे, फ्रंट साइड पे 13 MP का कैमरा प्रोवाइड किया गया है। हमने कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स भी लिए हैं, जिन्हें आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्लो मोशन भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि 720 FPS है। अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो
कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर आपको काइंड ऑफ डिसेंट कैमरा मिल जाता है, ना कुछ ज़्यादा एवरेज से ऊपर ना कुछ ज़्यादा नीचे, लेकिन कह सकते थोड़ा सा एवरेज से ऊपर है, लेकिन ज़्यादा कोई बेहतर नहीं है। लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस प्राइस रेंज के अंदर अभी भी ये बहुत सारे मोबाइल्स की ब्रांड जो इस प्राइस रेंज के अंदर आते हैं उनको ये कम्पीट करता है। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आप एक ऐसी डिवाइस लेना चाहते हैं जिसमें आप अच्छी गेमिंग और हैवी टास्किंग कर सकें तो आप ज़रूर इस मोबाइल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली कैमरा के लिए इसे खरीदना चाहते हैं तो फिर मैं आपको कहूँगा कि ये डिवाइस आपके लिए नहीं। इस मोबाइल को 5000 mAh की बैटरी हैंडल करती है, जिसके लिए 30W का चार्जर है जो आपके मोबाइल फोन को 0 से 100% तक 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट तक फुली चार्ज कर देता है। अगर आप इसका अलहदा से कैमरा टेस्ट, पबजी टेस्ट या फिर बैटरी कंजप्शन टेस्ट चाहते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में नाज़िम तरीके आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।